हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करेंगे ADHD बच्चों के बारे में। ADHD बच्चे क्या आगे चलकर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? उनकी मुश्किलें आगे चलकर कम हो जाती हैं? उनका फ्यूचर कैसा रहता है? या बच्चे एक सही लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं? आज इसी बारे में मेरा वीडियो है। जिनके बच्चों को ADHD है और जो लोग इन बच्चों के साथ में डील कर रहे हैं, वो समझते हैं और जानते हैं कि ADHD बच्चों के साथ में डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। बच्चों की हाइपर एक्टिविटी का लेवल एक्सट्रीम होता है, कई बार सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों को बहुत से इश्यूज़ भी होते हैं, बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, या फिर लगातार मूव करते रहना, इधर उधर भागते रहना। इस वजह से पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रेस भी हो जाते हैं कि बच्चे बैठते ही नहीं, तो उन्हें सिखाया कैसे जाए। कई बार तो पेरेंट्स के कॉल्स भी आती है मुझे कि मेडिसिन दी उन्होंने बच्चों को, उसकी वजह से वो डॉक्टर के पास गए, क्योंकि ADHD को अक्सर एक बीमारी समझा जाता है कि ये डिजीज़ है, और उन्हें एक पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाता है कि ये बीमार हैं और इन्हें इलाज के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है, उनके ब्रेन को ठीक करने के लिए, या फिर कई बार उनके स्लीप के इश्यूज़ को ठीक करने के लिए उन्हें मेडिसिन दी जाती है। लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने ख़राब होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पेरेंट्स कई बार मुझे कॉल करके बताते हैं कि उनका बच्चा इस दवा के लेने के बाद, स्पेशली रेस्पेरिडॉन, इसके बाद हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए, और भी ज़्यादा। अगर उसे हम मेडिसिन देते हैं तो वो ठीक रहती है, अगर मेडिसिन नहीं देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, बहुत अग्रेसिव हो जाती है, या फिर बच्चे बिल्कुल एकदम से निढाल हो जाते हैं, बच्चे कुछ सीखते ही नहीं हैं। तो ये एक चीज़ कि हम बच्चों को उस टाइम पर मेडिसिन ना देकर अगर कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखें कि हम बच्चों को उस टाइम पर सही ढंग से नेचुरली हम उन्हें ट्रीट करने की कोशिश करें, तो बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मेडिसिन कम से कम दीजिए, जब बहुत ज़्यादा आपको लगे कि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बच्चे के बिहेवियर कम नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, तब भी मैं आपको ये कहूँगी कि आप उस अग्रेशन से डील करने की कोशिश कीजिए, मेडिसिन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेडिसिन बच्चों को कभी भी वो चीज़ें नहीं सिखा सकती है जो हम बच्चों को, जो उनकी सीखने की उम्र में वो सीख सकते हैं और जो सीख कर वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इस वजह से मेडिसिन सिर्फ उनके ब्रेन को कुछ देर के लिए शांत कर सकती है, लेकिन आप मेडिसिन नहीं देते हैं तो ये अग्रेशन और भी ज़्यादा हो जाता है, बच्चों के बिहेवियर और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, तो ऐसे में उनके साथ में डील करना और भी मुश्किल हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि बिना मेडिसिन के ही हम बच्चों को नेचुरल वेज में ट्रीट करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारे बच्चे जो ADHD बच्चे हैं वो डिफरेंट हैं, वो कम नहीं हैं। पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके ब्रेन में कोई इशू नहीं है, सिर्फ उनके ब्रेन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है कि बच्चे एक जगह स्टिल नहीं बैठ पाते हैं और एक जगह ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनकी लर्निंग ASD बच्चों के मुकाबले में फास्ट होती है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। मैं दोनों बच्चों के साथ काम करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ADHD बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कई जगह पर वो काफ़ी हाइपर फोकस भी होते हैं, तो हमें उनकी स्ट्रेंथ को देखना है। अगर आप उनकी स्ट्रेंथ को देखकर उनके साथ काम करते हैं तो बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लाइफ ऐसे ही मुश्किल नहीं रहने वाली है। आगे आगे टाइम जैसे बढ़ता जाता है, हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हाइपर एक्टिविटी ऐसे ही रहती है सारी उम्र? नहीं, बच्चों की हाइपर एक्टिविटी की जो एक्सट्रीम एज होती है वो 7-8 ईयर्स तक होती है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है आपका हाइपर एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये मेडिसिन की वजह से नहीं होता, ये वजह होती है उनकी कि उनकी एक एज ऐसी आ जाती है आगे, और कुछ उनकी लर्निंग, बच्चा सीख रहा है कुछ ना कुछ, और स्पेशली जब आप उनको बिहेवियर थेरेपी या वो चीज़ें कुछ ऐसे उनकी डाइट में चेंजेस करते हैं, या उन्हें बिहेवियर थेरेपी देते हैं, या उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स पर काम करते हैं, तो बच्चे डेफिनेटली सीखते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है ADHD में, लेकिन 90% तक चांसेस होते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अगर उन्हें सही एज में बिहेवियर थेरेपी दी जाए तो। अब मेरा जो चीज़ है कि मेरा जो फर्स्ट चीज़ होती है कि हम बच्चों को मेडिसिन ना देकर हम क्या चीज़ें हमें वो करने की ज़रूरत है जिससे हम बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को नेचुरल वे में रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। सबसे पहले जो चीज़ है कि बच्चों को एक्सरसाइज करवाना। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, अगर उनकी एनर्जी को एक सही जगह चैनलाइज किया जाए, लगाया जाए, तो बच्चे काफ़ी हद तक शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। उन्हें खूब वॉक करवाइए, उन्हें खूब रनिंग करवाइए, एक टारगेट देकर उन्हें रनिंग करवाइए पार्क के अंदर,
कुछ 10 से 15 मिनट अगर आप उन्हें रनिंग करवा देते हैं, उससे भी बच्चे आपके आपको लगेगा, देखेगा कि वो शांत हो रही हैं। क्योंकि बच्चों का एक एनर्जी लेवल होता है, जब बच्चे का एनर्जी लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है तो बच्चे काम पर फोकस करने लगते हैं। बच्चों को योगा और मेडिटेशन कुछ हमें अजीब लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल बैठता नहीं है तो मेडिटेशन कैसे सिखाया जाए। उनके लिए कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जो विजुअली उन्हें समझने में हेल्प करते हैं कि उन्हें मेडिटेशन किस तरह से करना है। इसके रिगार्डिंग भी मेरी मैगजीन में रहेगा एक, मैं इस बार शेयर करूंगी आपके साथ में एक पिक्चर, जिसके आप कार्ड बनाएंगे और बच्चों को दिखाएंगे कि किस तरह से उन्हें मेडिटेशन करना है। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करवाना भी बच्चों की इंपल्सिविटी को कम करता है और उनके अग्रेशन को कम करता है। जब आपका बच्चा हाइपर है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें उनकी सिटिंग पर काम करने की। धीरे धीरे करके उनकी सिटिंग बनाइए और उनकी डाइट से शुगर का इंटेक या कोई रेड कलर की चीज़, रेड डाई जिसे हम कहते हैं, उसको रिमूव करना और बच्चों को नेचुरल चीज़ें देना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स देना जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को दीजिए, ताकि बच्चे स्ट्रॉन्ग रहें, हेल्दी रहें, उनका इम्यून सिस्टम सही से वर्क करे। और इससे जो है, अगर बच्चे का शरीर सही है तो बच्चे का ब्रेन भी सही है। इस वजह से हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि बच्चा क्या खा रहा है, उनके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप बच्चों को ओमेगा 3 और विटामिन बी, स्पेशली B9, B12, B6, ये जो हैं 3 विटामिन्स जो हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, आप उन्हें सप्लीमेंट के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को फैटी एसिड जब देने की बात करते हैं तो फिश ऑयल की भी बात की जाती है। आप फिश ऑयल दे सकते हैं बच्चों को, फ्लैक्सीड ऑयल दे सकते हैं, वो भी वैसे ही काम करता है। हम बच्चों के लिए नेचुरल ट्रीटमेंट में जाएंगे रादर देन कि हम बच्चों को मेडिसिन दें, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को ख़राब कर सकती हैं और बच्चे इनके यूज्ड टू हो जाते हैं और बिना मेडिसिन के वो रह नहीं पाते हैं। दिन ब दिन हमें डोज को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो डोज का असर उसमें कम होने लगता है। तो आप खुद सोचिए कि कितना मुश्किल है इस चीज़ को, इस सिचुएशन को, आगे चलकर यही प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर हमारे लिए उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को मेडिसिन ना देकर हम बच्चों को नेचुरल वे में ट्रीट करने की कोशिश करें। इसके अलावा बच्चों में, जिन बच्चों को गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, अग्रेशन रहता है, उन्हें हम ट्रेनिंग देते रहेंगे कि शांत रहेंगे, उन्हें बिठाना, कोशिश करते रहना। मैं जानती हूँ कि ADHD बच्चे नहीं बैठते हैं, बहुत मुश्किल होता है बिठाना उन्हें, लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे, हम लगातार उसे सिटिंग टाइम, हम मेडिटेट करेंगे, आप खुद बैठिए साथ में, जितना आप उसके साथ में रहकर उसे चीज़ें सिखाते जाएंगे उतना बच्चे आपको फॉलो करते हैं। ADHD बच्चे आपको देखते भी हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। और कुछ उनके ऐसे बिहेवियर्स इशू होते हैं, दूसरों से चीज़ें छीन लेना, चीज़ें गिरा देना, स्पेशली स्कूल टाइम पर बच्चों के ये जो कंप्लेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को मिलते हैं कि बच्चे ऐसा करते हैं। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं कोई ये नहीं समझता है, सिर्फ वो ऐसा करते हैं यही नोटिस किया जाता है। अगर हम उन कारणों को समझ जाएँ कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, तो यकीन कीजिए बच्चों की परेशानियाँ काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। अगर कोई ADHD बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह रहती है, हम उस वजह को अक्सर इग्नोर कर देते हैं और उस बिहेवियर को ध्यान में रखते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उस चीज़ को समझने की और उसे किस तरह से डील किया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियर्स के बारे में मुझे फ़ोन पर बताते हैं, डिस्कस करते हैं बिहेवियर, और इवन कि यूट्यूब पर भी कुछ लोग, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, लेकिन उनका आंसर मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जब तक मैं बिहेवियर को पूरी तरह से, डीप रूट कॉज को नहीं मैं समझ पाती हूँ, तब तक मैं उसके लिए कोई एक इफ़ेक्टिव प्लान नहीं आपको बता पाती हूँ। क्योंकि किसी बिहेवियर को समझना ज़रूरी है उसे ट्रीट करने से पहले, और एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से कि आपका बच्चा ये स्टीमिंग कर रहा है, ये वो स्टीमिंग कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। जो स्टीमिंग है, बहुत से लोग कहते हैं कि स्टीमिंग की क्या वजह है, स्टीमिंग की वजह सिर्फ एक ये नहीं है कि बच्चे को सेंसी इशूज़ हैं, तो उसे सेंसी डाइट मैं दे दूँ कि हाँ कि इस बच्चा आपका सेंसी रीज़न है, इस वजह से वो स्टीमिंग कर रहा है। ज़्यादातर स्टीमिंग की वजह होती है बच्चों के ब्रेन का खाली होना, बच्चे के साथ कोई काम नहीं हो रहा है। ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को खाना भी ज़रूरी है, उसके ब्रेन के अंदर इनपुट जाना भी ज़रूरी है, उसे वो समझाना, वो स्पेशल एजुकेशन देना ज़रूरी है ताकि बच्चे चीज़ों को समझ पाएं। इसलिए ऐसा नहीं है कि ADHD बच्चे नहीं सीखते हैं, स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन ADHD बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत जल्दी इम्प्रूव भी करते हैं। उनकी अपनी परेशानियाँ, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होती हैं, लेकिन इनके बावजूद भी वो चीज़ें सीखते हैं।
अगर उन्हें एक सही वे में सिखाया जाए। एक्सरसाइज के बाद मैं बात करूंगी बच्चों के अग्रेशन से डील करने के लिए उनके बिहेवियर इश्यूज को ठीक करने की कोशिश करना कि किस तरह से उन्हें, क्योंकि बच्चों में सोशल स्किल्स कम रहते हैं, उन्हें सोशली किस तरह से बिहेव करना है, सोशल स्टोरीज की हेल्प ले सकते हैं। आप मैं जानती हूँ कि बार बार समझाने से भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं समझते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सोशल स्टोरीज की हेल्प से बच्चों को उनके बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश करें कि गुड बिहेवियर कौन से हैं, बैड बिहेवियर कौन से हैं, हमें कौन सा बिहेवियर करना है, कौन सा नहीं करना है। ये सब चीज़ें बच्चे एकदम से नहीं सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर सीखेंगे। बस आपको हार नहीं माननी है, आपको सिखाते रहना है लगातार। आप आगे चलकर देखेंगे कि इन चीज़ों के रिज़ल्ट जो आप आज कर रहे हैं, उनके रिजल्ट आपको आगे मिलेंगे। आपका और आपके बच्चे का कल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जो ADHD बच्चे होते हैं उनको स्लीप को लेकर बहुत इश्यूज होते हैं। स्लीप का पूरा ना होना, नींद का पूरा ना होना भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे की नींद पूरी हो। नींद पूरी हो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को एक टाइम फिक्स रखें कि बच्चे को इस टाइम पर सोना है। लगातार चलते रहने की वजह से बच्चों का ब्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, तो कुछ उसको उनको हेड मसाज दी जा सकती है जो रिलैक्सिंग हो। हम उनको रिलैक्सिंग हेड मसाज दे सकते हैं, इस तरह से उनको गोल गोल घुमाना उनके सिर के ऊपर, तो इससे जो है बच्चे काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, उनकी ब्रेन की नर्व्स शांत होती हैं और बच्चे अच्छे से सो पाते हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चों की नींद पूरी हो। अब इसके बाद मैं बात करूंगी कि कुछ बच्चों को, जिन ADHD बच्चे फॉरगेटफुल होते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, अक्सर अपने डेली रूटीन को फॉलो करने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम बच्चों को डेली शेड्यूल उनका बनाकर दे सकते हैं जिससे कि बच्चे देखकर उसे फॉलो करें और कोई भी स्टेप वो मिस ना करें या स्किप ना करें। ऑर्गेनाइज होने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे ऑर्गेनाइज रहें। इसके लिए हमें तैयारी शुरू से ही करनी है, जब बच्चा बहुत छोटा है तब से स्टार्ट कीजिए कि आप बच्चे को विजुअली शेड्यूल दे रहे हैं, उसे ढालना उस चीज़ पर कि जब हम एक बच्चे को एक चीज़ की आदत बना देते हैं, जब उन्हें शेड्यूल की आदत बन जाती है कि मुझे इसके बाद ये करना है, तो बच्चे उस चीज़ के यूज्ड टू हो जाते हैं और बच्चे आपके बिना कहे भी वो काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ADHD बच्चे कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमें उनके साथ यूज़ करने की ज़रूरत होती है, उन्हें ये बताने की ज़रूरत होती है कि उन्हें कैसे करना है, क्या करना है। और जब हम उन्हें लगातार इस चीज़ के लिए गाइड करते रहते हैं तो बच्चे चीज़ों को सीखते हैं। एक चीज़ और होती है कि बच्चों की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स जो हैं वो उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे चीज़ों को प्लान नहीं कर पाते हैं, तो हम प्लानिंग में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें प्लान करना सिखा सकते हैं, उनके इन स्किल्स पर काम कीजिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स पर शुरू से ही काम कीजिए कि हमें किस तरह से कोई टाइम को कहाँ पर रखना है, टाइम सेटिंग किस तरह से करनी है, किसी चीज़ को हमें कितना वक्त देना है। आप टाइमर की हेल्प ले सकते हैं, टाइमर सेट कीजिए कितने टाइम तक हम मेडिटेशन करेंगे, हम बैठेंगे आराम से स्टिल होकर, टाइमर लगाइए, थोड़े टाइम के लिए लगाइए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और इन चीज़ों को ज़रूर सीखेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ADHD बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ADHD बच्चों को स्क्रीन टाइम, कार्टून जो बच्चे देखते हैं स्पेशली, उन चीज़ों को वो कॉपी करते हैं, या फास्ट चलती मूविंग जो फास्ट चल रहा है कुछ भी अग्रेसिव कोई ऐसा सीन चल रहा है, वायलेंस का देखना, या फिर बच्चे जब कोई किसी को देखते हैं ऐसा कुछ देखते हैं वो, तो उनके दिमाग पर वो चीज़ें हावी हो जाती हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों की उनकी समझ को उस जगह पर डायरेक्ट करें जिससे कि बच्चे शांत हों, उनमें वो इनपुट हम उनमें ऐड करने की कोशिश करें उनके ब्रेन में कि बच्चे शांत हो, रादर देन स्क्रीन टाइम में आपका बच्चा वायलेंस देख रहा है, गुस्सा देख रहा है, फास्ट दौड़ती चीज़ों को देख रहा है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर बच्चों के बिहेवियर पर पड़ता है और बच्चे अग्रेसिव होने लगते हैं और वो वैसे ही तेज़ दौड़ने की कोशिश करते हैं जो वो देखते हैं। ब्रेन को सूद करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें स्ट्रेस बॉल या मेडिटेशन का सहारा लें, उनके साथ में कामिंग चीज़ें करें जिससे कि बच्चे शांत हों। कुछ शांत म्यूज़िक उन्हें सुनाया जा सकता है। स्क्रीन टाइम को अवॉइड कीजिए क्योंकि स्क्रीन टाइम पर अक्सर हाइपर एक्टिव बच्चे वही चीज़ें देखते हैं जो उनके ब्रेन को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर देती हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है, वो है बच्चों का अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन। बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चों को फोकस रहने में हेल्प करना, कॉन्सेंट्रेशन पर बहुत से वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ, आगे भी करती रहूँगी।
आप ज़रूर उन पर काम कीजिए। ADHD बच्चे को किस तरह से फोकस रखा जाए, उन्हें सेंसी एक्टिविटीज़ उनकी डेली डाइट में, उनके पसंद की चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जिस चीज़ पे बच्चे हाइपर फोकस होते हैं वो चीज़ें देना बच्चों के कंसंट्रेशन, उनके अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है, उन चीज़ों को हम सहारा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ADHD बच्चों में सिर्फ कमियाँ होती हैं, उनमें कुछ स्ट्रेंथ भी होती हैं, आगे जाकर बच्चे लाइफ अच्छी जी सकते हैं अगर स्टार्टिंग से ही हम उन पर ध्यान दें। मेडिसिन से आप बच्चे की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उनसे छीन लेते हैं, उन्हें एक जगह बिठा देती हैं और बाद में कंडीशन वर्स होती जाती है बच्चों की। ऐसा नहीं है कि उनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है। अब कंक्लूजन में एक बात कहूंगी कि जो इनपुट आप बच्चे में डाल रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन है चाहे वो नेचुरल ट्रीटमेंट है, दोनों आगे चलकर उनका असर आपको आगे पता चलेगा कुछ सालों में कि आपके बच्चे पर उनका क्या असर रहता है। आज मेडिसिन देकर हो सकता है हम शांत रहें, हमारा बच्चा भी शांत रहे, लेकिन आगे चलकर रिजल्ट उनके बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ऐसे में दूसरा रास्ता होता है जो शुरू में आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि हम बच्चे के टेंट्रम्स, उनके अग्रेशन को बर्दाश्त कर सकें। मैंने गुरजोत के साथ में ये चीज़ें की हैं और मैं जानती हूँ कि कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन को फेस करना बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के लिए, जब बच्चे बहुत अग्रेसिव होते हैं, आउटबर्स्ट करते हैं, और ये जो चीज़ें हैं हमें उस टाइम पर किसी तरह से बर्दाश्त करनी है, अपने बच्चे के लिए करनी है कि वो आगे चलकर उसकी लाइफ सही रहे। तो हम उसे लगातार सिखाने की, नेचुरल वे में उसे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, मेडिसिन का सहारा नहीं लेंगे। और चीज़ कहूँगी कि सिवेरिटी पर बहुत निर्भर करता है, आपके बच्चे की सिवेरिटी कितनी है। थोड़े से गुस्से को, थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी को हम टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें सिखाया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ के लिए मेडिसिन को लेना गलत है, मत कीजिए। आप बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए, उन्हें सिखाने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, आपका पॉजिटिव रहना, रिलैक्स रहना, कि ADHD बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर उन्हें सही से डील किया जाए। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इस क्वेश्चन का आंसर समझने में कि क्या ADHD बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।